जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वे अपनी जीभ को बाहर नहीं निकाल सकते अन्य जानवरों की तरह, इसलिए आपने इन्हें कभी आज तक जीभ निकालते हुए नहीं देखा होगा। पर किस कारण से अपनी जीभ नहीं निकाल पाते हैं? जो मगरमच्छ होते हैं उनमें एक मेम्ब्रेन होती है जो उसकी जीभ को माउथ के ऊपरी भाग से अटैच कर देती है, जिसे एक जगह पर अटैच रहती है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या काम आती है। जब क्रोकोडाइल किसी जानवर का शिकार करते हैं पानी में, ये टंकी अटैचमेंट पानी को उसके मुंह में जाने से रोकती है। When the teacher catches you cheating and you pretend everything as normal. क्या होगा यदि हिमालय गायब हो जाए? ये हिमालय इंडिया के नॉर्थ टैक्स में है और ये केवल भारत में ही नहीं है, इनमें ये कंट्रीज भी हैं, नेपाल, भूटान, तिब्बत एंड कुछ हिस्से पाकिस्तान में भी है। आज से करीब 50 बिलियन साल पहले भारतीय प्लेट थी वे यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, जिसे हिमालय का निर्माण हुआ था। चलो अब जानते हैं कि हिमालय के गायब होने से क्या होगा। हिमालय साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। हिमालय की हाइट 8000 से ज्यादा तक है। ये इतने विशाल है कि ये एयर मासेस की मूवमेंट में बाधा डालते हैं। सर्दियों में साइबेरिया से कोल्ड विंड साउथ की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है और ये विंड्स बहुत ठंडी होती है, परंतु अब इनके बीच में आ जाता है हिमालय, तो ये विंड्स हिमालय के अंदर से तो नहीं जा सकती और ये राइज करना स्टार्ट कर देती है। एंड हिमालय की इस साइड से स्लोप बहुत तेज है जिससे राइज करना स्टार्ट कर देती है और इस विंड के ऊपर जाने को ओरोजेनिक लिफ्टिंग कहते हैं। जैसे जैसे ये ऊपर जाती है वैसे वैसे ठंड होने लगती है, बादल बनने लग जाते हैं और इस विंडवर्ड वाली साइड पे स्नोफॉल होने लगती है और हिमालय को क्रॉस करने के बाद ये विंड्स धीरे धीरे नीचे आने लगती है और इनका टेम्परेचर ज्यादा होने लगता है जिससे ये एयर मासेज सूखी होने लगती है और यहाँ पे ये रेन शेड इफेक्ट करने लगती है। यानी इस साइड का मौसम साफ रहता है और इस साइड को लीवर्ड साइड कहते हैं जहाँ से विंड नीचे उतरती है। तो हिमालय इन विंड्स का ऐसे टेम्परेचर को कम कर देता है, यानी ठंडी हवाएं नहीं आने देता है। हिमालय में अलग अलग प्रकार के पेड़ और जानवर पाए जाते हैं, इसके डिसअपीयर से ये सभी भी डिसअपीयर हो जाएंगे। हिमालय ने हजारों वर्षों से नॉर्थ से आने वाले आक्रमणों से बचाया है। आज भी हिमालय चाइना को इन्वेड करने में बहुत मुश्किल पैदा करेगा। चाइना की तरफ से हिमालय की ढाल बहुत ज्यादा है, बिना किसी टेक्नोलॉजी के उस साइड से इस साइड आना इम्पॉसिबल है। तो ये भारत को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। यदि हिमालय डिसअपीयर हो जाएगा तो इसे भारत की सेफ्टी पर इफेक्ट पड़ेगा। हिमालय से बहुत सारी रिवर्स निकलती है जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, और ये रिवर्स कृषि और लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। हिमालय के डिसअपीयर से बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। विश्व के बहुत सारे इलाकों से टूरिस्ट हिमालय के टूरिस्ट प्लेस में आते हैं। हिमालय के डिसअपीयर से टूरिस्ट इफेक्ट होंगे। हिमालय साइंस की रिसर्च के लिए उपयोगी है। हिमालय के डिसअपीयर से नॉर्थ इंडिया सूख जाएगा, धरती इनफर्टाइल हो जाएगी क्योंकि रिवर न के बराबर होगी कोई, फूड की शॉर्टेज हो जाएगी जिससे पॉपुलेशन भी इफेक्ट होगी। लास्ट जो हिमालय है उसमें अर्थ के एक बड़ी अमाउंट में ग्लेशियर है जो पूरी अर्थ के तापमान नियंत्रण में एक रोल निभाते हैं। हिमालय के गायब होने से वॉल अर्थ पर इसका प्रभाव पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वन डे बिफोर एग्जाम नीड, वन डे इंग्लिश विल किल अस।